Guys, when you have a proper redox reaction, what you need to do is you need to convert it into half reactions. Redox half and oxidation half. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं oxidation number से देखूँ, तो ये 2x, ये 7 2s are 14, ये minus 2, तो ये 2x is equals to 12, x is equals to 6. क्रोमियम का यहाँ पे 6 है वैल्यू, यहाँ पे क्रोमियम का 3 है. तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? रिडक्शन. तो मैंने रिडक्शन वाले रिएक्शन को एक साइड में लिख लिया, ठीक है. रिडक्शन वाला हमारा रिएक्शन एक साइड में आ गया, ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन को एक साइड में लिख लेंगे. अगर एक रिएक्शन रिडक्शन है तो दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. अब अभी अभी हमने ऑलरेडी ये हाफ रिएक्शन सॉल्व किया था. क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7H2O लगा दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H प्लस लगा दिया. अब यहाँ पे मेरा 14 माइनस 2 है, तो ये 12 पॉजिटिव और 6 पॉजिटिव, तो 6 नेगेटिव इधर चाहिए टू बैलेंस इट, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब मैं दूसरे रिएक्शन पे आ रहा हूँ. दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम वाटर नहीं लगाएंगे, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 2H प्लस लगाना है. अब मेरा H प्लस बैलेंस हो गया, तो चार्जेस बैलेंस करना है. इधर 2 है, इधर 0 है, तो यहाँ पे माइनस 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लग गया बैलेंस. अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 and 2. तो इस रिएक्शन को किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए? 3. ठीक है, तो पहला वाला जो मेरा रिएक्शन है जैसे है वैसे ही लिखूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस गिविंग अस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O. अब दूसरा वाला रिएक्शन इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट इज अ 3H2O2 गिविंग अस अ 3O2 प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब व्हाई डिड वी डू दैट इलेक्ट्रॉन्स? सो दैट इलेक्ट्रॉन LHS में है, इलेक्ट्रॉन RHS में है. एट द एंड आपने कभी भी किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स देखा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल. आप देखते हैं ये 14H प्लस है, ये 6H प्लस है ऑन द RHS, तो काटा पीटी होगा तो ये 8H प्लस हो गया. अब और कुछ काटा पीटी नहीं होने वाला है, तो जो कुछ है वो एक साथ लिख दो. LHS वाला सारा कुछ LHS के साथ, ठीक है, ये मेरा LHS हो गया. RHS वाला RHS के साथ 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 3O2. अब जरा बहुत लोग कहते हैं सर कैसे बैलेंस हुआ बताओ तो सही, कितने हाइड्रोजन है शाम्बा? 14. इधर कितने हैं? 14. क्रोमियम कितने हैं? 2. इधर कितने हैं? 2. ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2. 6 प्लस 7 कितने हो गए? 14. 6 प्लस 7 13. और यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 13. अब चार्जेस देखते हैं, यहाँ पे 8 पॉजिटिव माइनस 2, कितने चार्जेस हुए? 6. यहाँ पे 2 3s are 6. क्या पूरा पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है? यस सर. ठीक है, और अगर हम ना बैलेंसिंग द इक्वेशन सीख जाएंगे 11th में ही, तो 12th में पी ब्लॉक में बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें
32, 40 ऐसे नंबर्स लगाने पड़ते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो आपको वहां पे 12th में सीखने की जरूरत ही नहीं. वी विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, अब हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं. अब इसमें आप लोग मुझे हेल्प करोगे. ये मेरा पहला हाफ रिएक्शन है विच इज गिविंग मी टी ई. ये मेरा दूसरा हाफ रिएक्शन है N2O4 गिविंग मी NO3-1. फर्स्ट रिएक्शन पे आते हैं. इज टेलुरियम बैलेंस्ड? यस. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या और कहाँ? अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या और कहाँ? अब रिएक्टेंट साइड में 6 पॉजिटिव -2, 4 पॉजिटिव और यहाँ पे 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ? ठीक है, ये हो गया बैलेंस. अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं. यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N है, क्या करेंगे? 2 से. यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया, तो कितना वाटर और कहाँ? 2H2. अब हमारे रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन हो गए, तो कितने H प्लस और कहाँ? 4H+. अब यहाँ पे ये 0 चार्ज है, ये -2 + 4, ये 2 चार्जेस हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. अब पहले रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. सेकेंड रिएक्शन में कितने हैं? 2. तो किस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? तो सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम पूरा का पूरा इक्वेशन लिखते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन्स + 6H+ TeO3-2- गिविंग अस Te+3H2O. सेकेंड वाला हो गया 4H2O + 2N2O4. 2 से सबको मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं. 4NO3-1. 4 2s are 8H+ and 2 2s are 4 electrons. सबसे पहले मैं किस चीज को काटूंगा? इलेक्ट्रॉन. 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ. यहाँ पे 6H+ है, यहाँ पे 8H+ है, तो कितने H पॉजिटिव बचे? 2H+ बचे. यहाँ पे 3 molecules of water, यहाँ पे 4 molecules of water. कितने molecules of water बचे? 1. अब कुछ भी नहीं कटेगा, तो जो रिएक्टेंट साइड में है उसे रिएक्टेंट साइड में आप ऐड कर दो. ये हो गया एंड हमारा 2N2O4 है गिविंग अस Te+4NO3-1 + 2H+. अब अगर चेक करना है तो चेक कर लेते हैं भाई, हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है? रिएक्ट 2. प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2. रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 7. फिर से देखो. 8. फिर से देखो. 11. प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 4 2s are 8 and + 3 11 हैं. इधर हमारे पास 12 क्यों आ रहा है? कहाँ पे गड़बड़ किया है? घोटाला. नाइट्रोजन हमारा 4 है. अच्छा, ये नहीं गिना ना. हाँ, 12 ही है. और इधर नाइट्रोजन कितना है? 4. इधर कितने हैं नाइट्रोजन? 4. रिएक्टेंट साइड में कितने चार्जेस हैं?
माइनस टू, माइनस टू, प्रोडक्ट साइड में माइनस फोर एंड प्लस टू, कितने हो गए? बैलेंस हो गया भाई, ये इतना पूरा करने के लिए ना, बैलेंस करने के लिए इट इज टू मार्क्स, ठीक है। एंड कितने लोग कहते हैं सर हिट एंड ट्रायल क्यों नहीं कर सकते? बेटा इसमें हिट एंड ट्रायल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं होता कि क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम कहेंगे या बेसिक मीडियम। अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं दे आर ऑल इन द एसिडिक मीडियम। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसे अभी के लिए सिंस इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन हाफ रिएक्शन में बदल रहा हूँ। अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन करने के लिए एक दो तीन मिनट, तीन मिनट आप लोगों को मिल रहे हैं ये क्वेश्चन करने के लिए। Check. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Okay. Now, on Sunday 7:30, okay? मुझे एक रिमाइंडर डाल के रख देना कि आई हैव फिक्स्ड अ क्लास ऑन संडे 7:30 AM, ओके। उसमें हम क्या करेंगे, वी विल बैलेंस मोर ऑफ दीज इक्वेशंस, ओके। उसके बाद से इसमें एक और पार्ट बचेगा, दैट इज़ अवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कराऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। दूसरा, अभी बैलेंसिंग हमने सीखा है एच प्लस से, मैं आपको बेसिक मीडियम में भी बैलेंसिंग सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर, हार्डली इट विल टेक टू क्लासेस। रिएक्शंस बहुत है हाइड्रोजन में, लर्निंग वर्क बहुत है हाइड्रोजन में, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, एंड मुझे ऑर्गेनिक में बताना टीचर्स क्या क्या करवा रहे, बिकॉज जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है इट इज़ अ लेंथी चैप्टर, सो इफ़ दे आर मिसिंग आउट सम थिंग्स देन आई विल मिस आउट दोज थिंग्स, इफ़ दे आर नॉट मिसिंग एनीथिंग देन एवरी संडे टिल द नेक्स्ट टू वीक्स वी विल हैव रेगुलर क्लासेस इंस्टेड ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। चलो तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।